जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ आप सभी की वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के बच्चे हैं, यानी कक्षा 9 में हैं इस बार और आपकी वार्षिक परीक्षा होगी 2024 में, उसके लिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है ऐसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को इस वीडियो में, जिसके प्रश्नों को आप जरूर देखेंगे अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में, यानी जो हिंदी विषय का पेपर होगा उसमें यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे। तो इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं इनको पूरा सॉल्व कराऊंगा, हल करवाऊंगा और साथ ही साथ इनसे संबंधित जो और प्रश्न बन सकते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, उनको भी इसी वीडियो में शामिल करूंगा, बताऊंगा आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहां से आप हिंदी विषय यशस्टी यानी सामाजिक विज्ञान विषय की भी तैयारी कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर है 2024 वार्षिक परीक्षा का और यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। समय आपको कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आप पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, जो प्रश्न आपको आता है यानी जिस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से आता है पहले उस प्रश्न को ही सॉल्व करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। अब खंड आ में यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ होगा यहाँ पर। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 20 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 20 नंबर का और इस तरह से आपको 20 नंबर मिलेंगे जब आप इन 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में सही तरीके से भरेंगे और सही भरेंगे। इसके बाद खंड बा में जब आप देखोगे तो 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर खंड आ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे और इनसे भी संबंधित जो भी अन्य प्रश्न बन सकते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए उनको भी मैं बताता चलूंगा। तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न यदि पूछा जाता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य आरंभ किया था। इसके पहले संपादक कौन थे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आदिकाल को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है वीरगाथा काल, दूसरा विकल्प है चारण काल, तीसरा विकल्प है अपभ्रंश काल और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है, आदिकाल को अपभ्रंश काल भी कहा जाता है, यानी आदिकाल को इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। यहां पर उत्तर क्या होगा? आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल और अपभ्रंश काल, इन सभी नामों से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है रानी केतकी की कहानी, दूसरा है विकल्प उसने कहा था, तीसरा विकल्प है इंदुमती और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदुमती जो है यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंदुमती कहानी जो कि हिंदी की प्रथम कहानी है, इसके लेखक कौन है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, साखी शब्द रमैनी किसकी रचना है? साखी शब्द रमैनी किसकी रचना है? पहला विकल्प है सुंदरदास, दूसरा है धर्मदास, तीसरा विकल्प है कबीरदास और चौथा विकल्प है मलूकदास। साखी शब्द रमैनी किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, कबीरदास। और मैं आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिखते जाइएगा, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और इनसे भी संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं मैं उन्हें भी बता रहा हूँ, तो आपको इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है, यह किससे संबंधित है? विकल्प पहला है कबीरदास से, दूसरा विकल्प है नंददास से, तीसरा विकल्प है तुलसीदास से और चौथा विकल्प है सूरदास से। तो सूकर खेत जो कि एक स्थान है, और यह स्थान किससे संबंधित है? गोस्वामी तुलसीदास से। प्रश्न संख्या 6 है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? पहला विकल्प है उपन्यास, दूसरा विकल्प है रेखाचित्र, तीसरा विकल्प है कहानी, चौथा विकल्प है जीवनी। तो कलम का सिपाही, इससे बनने वाले और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो इसकी बिल्कुल भी ना करें। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है मेरे प्यारे बच्चों? कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और प्रश्न क्या बन सकता है, कलम का सिपाही के लेखक या रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा अमृत राय जी। कलम का सिपाही अमृत राय जी की क्या है? रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही, आप लोग ध्यान देंगे, कलम का सिपाही यदि प्रश्न में पूछा जाए किसकी जीवनी है, तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? अमृत राय जी हैं, यानी यह रचना अमृत राय जी की है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह हिंदी गद्य की जीवनी विधा पर आधारित रचना है। तो सभी प्रश्नों को मैंने बता दिया आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? यह हैं दिए गए विकल्पों में से, पहला है विकल्प राधा चरण गोस्वामी, दूसरा विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा है लल्लू लाल। तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों 7, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 9 और चौथा विकल्प है 10। तो दीपदान एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? 7 पात्र हैं। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि दीपदान एकांकी के लेखक कौन हैं,
तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी दीपदान एकांकी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 9 है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? पहला विकल्प है तुकाराम, दूसरा विकल्प है आत्माराम, तीसरा विकल्प है राम बोला और चौथा विकल्प है सीताराम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो ये रोए नहीं थे, बल्कि इनके मुख से कौन सा शब्द निकला था? राम नाम निकला था। और राम का नाम निकलने के कारण इनके माता पिता ने इनका नाम क्या रख दिया था? बचपन का नाम क्या था इनके? राम बोला था, यानी इन्होंने राम शब्द बोला था इसलिए इनका नाम राम बोला रख दिया गया। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब यहां से भी प्रश्न आप 2-3 जरूर तैयार कर लोगे, कौन कौन से? जैसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? विकल्प पहला है रामचरितमानस को, जो कि है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना। दूसरा विकल्प है पृथ्वीराज रासो को। तीसरा विकल्प है यहाँ पर पद्मावत को। चौथा विकल्प है रामचंद्रिका को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदबरदाई जी की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई जी की रचना है। और एक प्रश्न और आता है कि जो पृथ्वीराज रासो रचना है यह किस युग की रचना है? तो यह आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो कि चंदबरदाई जी की रचना है और यह आदिकाल की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। रामचंद्रिका केशव दास जी की रचना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है यहाँ पर उत्साह, दूसरा विकल्प है शोक, तीसरा विकल्प है क्रोध और चौथा विकल्प है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? धीर रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव है। मैंने चारों विकल्पों को सॉल्व करके बता दिया है। प्रश्न संख्या 12 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये में अलंकार कौन सा है? विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला विकल्प है रूपक अलंकार, दूसरा विकल्प है उपमा अलंकार, तीसरा विकल्प है अनुप्रास अलंकार और चौथा विकल्प है श्लेष अलंकार। तो जहां पर एक वर्ण, आप लोग ध्यान देंगे, जहां पर एक वर्ण या अक्षर, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, जहां पर एक वर्ण या अक्षर दो बार या एक से अधिक बार, यानी एक बार या एक से अधिक बार आता है, एक बार तो नहीं होगा लेकिन एक से अधिक बार आता है, एक से अधिक बार आता है, वहां पर होता है कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। दिए गए उदाहरण में ता वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आया हुआ है, आप देख रहे होंगे ता वर्ण 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। उत्तर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 13 है, बंदहु गुरु पदे पदुमे परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा
के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो चौपाई छंद के बारे में जब आप पढ़ोगे तो परिभाषा के अंतर्गत लिखा हुआ है कि चौपाई छंद के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है किस छंद में है, चौपाई छंद में है, और यहाँ पर चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हैं। प्रश्न संख्या 14 है, पंचवटी में समास कौन सा है। विकल्प पहला है यहाँ पर अव्ययी भाव, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों कर्मधारय, और चौथा विकल्प है तत्पुरुष। तो मैंने आपको बताया था जिस समास का पहला पद, आप लोग ध्यान देंगे, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, यानी गिनती बताने वाला होता है, और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा यानी सेकंड वाला पद किसी समूह या समाहार, समूह या समाहार का ज्ञान कराता है, उसे कहते हैं यहाँ पर कौन सा समास, द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर उत्तर होगा, आप लोग ध्यान देंगे, दूसरा वाला, और यहाँ पर पहला पद क्या है, पंचवटी में पंच है पहला पद, पंच क्या है, पंच है पहला पद, यह बता रहा है गिनती को, कितनी गिनती को, पांच गिनती को बता रहा है, वटी यानी वटों का समूह या समाहार, तो यहाँ पर है द्विगु समास। अगला प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहन सुबह शाम आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई और बहन के मध्य ये जो चिन्ह लगा है, सुबह और शाम के मध्य जो चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो विकल्प पहला है संक्षेप चिन्ह, दूसरा विकल्प है समता सूचक चिन्ह, और तीसरा है योजक चिन्ह, चौथा है अल्प विराम। तो इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, योजक चिन्ह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। पहला विकल्प है कर, दूसरा विकल्प है बाह, तीसरा विकल्प है पंजा, चौथा विकल्प है हस्त। तो हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 है, आकाश का विलोम शब्द क्या है। तो आप सभी जानते हैं आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल, पाताल का विलोम शब्द होता है आकाश, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रश्न संख्या 18 है, नृप भूपति महिष आदि कहलाते हैं क्या, विलोम उपसर्ग प्रत्यय या पर्यायवाची। तो ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, कपीसह का संधि विच्छेद बताइए। तो कपीसह का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कपी प्लस ईसह, यहाँ पर ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, सरिते किस विभक्ति वा वचन का रूप है। तो सरिते जो है यह चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। अब बारी आती है खंडबा की, और खंडबा में जो प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 21 का है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर पहला गद्यांश है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे यदि, तो इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम तो जरूर लिखना होगा। यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है मंत्र शीर्षक पाठ से, और इस पाठ के लेखक हैं मुंशी
प्रेमचंद जी, आप लोग ध्यान देंगे मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। फिर यहाँ पर है भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो इसका उत्तर गद्यांश में ही मिलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा होता था, तो यह भी जो है एक नंबर का नहीं है प्रश्न, दो नंबर का प्रश्न है। यानी मैंने आपको बताया नहीं शायद कि गद्यांश के नीचे जो तीन प्रश्न दिए होंगे आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए तीन प्रश्नों का उत्तर करना है, और प्रत्येक प्रश्न है दो नंबर का, आपको मिलेंगे कुल छह नंबर जब आप इन प्रश्नों का सही उत्तर लिखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अथवा में भी गद्यांश है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसीलिए भी कि किसी लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीलाभ छोटे फूलों में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो यह गद्यांश किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? यह गद्यांश लिया गया है गिल्लू शीर्षक पाठ से। इस पाठ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है गिल्लू शीर्षक पाठ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो भी रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या आप लोग तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 का है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिये होश रही मन माही। कबीर दास जी का प्रसिद्ध दोहा है, साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है, और साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितनी भी साखियां हैं कबीर दास जी की, इन सभी साखियों से ज़्यादातर आप लोग ध्यान देंगे इनका वीडियो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है। इनकी व्याख्या यदि आप देखना चाहो तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पद्यांश दिया गया है पायो जी महतो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो। पायो जी महतो राम रतन धन पायो, तो यह पद्यांश लिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है मीराबाई जी के द्वारा रचित, मीरा बाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक से। कहाँ से लिया गया है? पदावली शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के अंतर्गत जितनी भी पदावलियाँ हैं सभी की व्याख्या यदि आप देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वीडियो मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है 23 का के अंतर्गत, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। चार नंबर का प्रश्न है। संस्कृत का पहला जो गद्यांश है विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंदः अस्थैव महाभागस्य शिष्यः आसीन, यह लिया गया है किस पाठ से? परमहंस राम कृष्णः शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश नहीं है, गद्यांश है। और अथवा में जो गद्यांश है यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? श्री कृष्णस्य जन्म भद्र पदमासस्य, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत, यह लिया गया है किस पाठ से? गोपाल कृष्ण नंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, तो यह प्रश्न है चार नंबर का, और पद्यांश इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो यह लिया गया है पद्यांश वंदना शीर्षक पाठ से। अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, यह लिया गया है सुभाषितान, आप लोग ध्यान देंगे सुभाषितान शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पाठ को और वंदना शीर्षक पाठ को मैंने पढ़ाया है, यदि आप हिंदी अनुवाद से संबंधित वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएंगे।
करेंगे। प्रश्न संख्या 24 इस प्रकार से आएगा मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की माँ का चरित्रांकन कीजिए, 5 नंबर का प्रश्न होगा। अथवा में प्रश्न है दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। दोनों प्रश्नों का वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं, यानी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, इनका जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इनका जीवन परिचय। और यहाँ पर खा है यानी 25 का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए, तो यहाँ पर कबीरदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, ये प्रमुख कवियों का नाम दिया गया है। किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनसे संबंधित दो रचनाओं के नाम लिखना है, जिसके लिए 4 नंबर निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 26 ऐसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो यहाँ पर संस्कृत के प्रश्न इस प्रकार से हैं, आप इन्हें जरूर तैयार कर लेना, आपको लिखना होगा संस्कृत प्रश्नों का उत्तर, जिसके लिए निर्धारित हैं 4 नंबर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 28 इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर का प्रश्न होगा। मुहावरे, ये मुहावरे जरूर तैयार कर लीजिएगा, अंधे की लकड़ी होना, और यहाँ पर लोकोक्ति भी हैं, आस्तीन का सांप होना, ऊँट के मुँह में जीरा, अकल बड़ी या भैंस, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी लोग, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 30 है मेरे प्यारे बच्चों, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, 5 नंबर का प्रश्न होगा। अथवा में प्रश्न है प्रधानाचार्य को पत्र जो कि संबंधित हो किससे, आकस्मिक अवकाश से संबंधित हो और जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो, 5 नंबर का प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आपको करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको हिंदी विषय के मॉडल पेपर को पूरी तरह से सॉल्व करके बता दिया है, पूरी तरह से हल करके बता दिया है, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।